धनबाद में निजी विद्यालयों की मनमानी पर जिला प्रशासन जल्द ही नकेल कसेगा। उपायुक्त संदीप सिंह की मौजूदगी में निजी विद्यालयों के लिए फीस निर्धारण कमेटी का गठन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि शुल्क निर्धारण के अलावा निजी विद्यालयों में किताबें, ड्रेस और बाकी चीजें बेचने को लेकर जो मनमानी बढ़ती जा रही है और शिकायतें आई है उनकी जाँच चल रही है। वैसे विद्यालय जो सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं उन पर बहुत ही जल्द कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सांसद एवं विधायकों के प्रतिनिधियों के अलावा जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2017 में हुआ था, उसके तहत जिला स्तर पर एक समिति गठित है जिसका मैंडेट ये है कि प्राइवेट स्कूल्स का जो फी स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग मद में उनका क्या फी स्ट्रक्चर है और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के बाद में उनके जो इंक्रीमेंट होंगे उसके संबंध में उसमें एक अधिसीमा है कि अगर 10% तक की सीमा के अंदर वो फी इंक्रीमेंट करते हैं तो वो अपने स्तर से कर सकते हैं, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा, लास्ट ईयर 100 रुपये फीस थी, इस साल बढ़ा के उन्होंने 111 रुपये किया है, तो उनको इस समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए वो अपना फीस स्ट्रक्चर प्रस्तुत करना होगा और समिति गठन के क्रम में उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 निजी विद्यालयों के प्राचार्य और 2 माता पिता जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके सदस्यों का नामांकन किया जाना था। तो उसी में माननीय सांसद और माननीय विधायकगण के प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हुए थे, तो आप लोगों की सहमति से हम लोगों ने उन नामों की जो सूची है वो फाइनल की है। इस तरह से समिति गठन आज फाइनल हुआ है, देन फुल कमेटी की जो मीटिंग है नामित सदस्यों के साथ में वो हम लोग नियम प्रावधान जो इस अधिकार के हैं उसके